कश्मीरी गेट कुदेशिया घाट के पास आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो मजदूर हैं जो कि घाट पे काम कर रहे थे वो अब आखिरकार बाहर आने को मजबूर है, क्योंकि यमुना पूरे उफान पर है, कई कई फिट पानी भर चुका है और जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे वो जगह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। अपना सामान, ये छोटे छोटे बच्चे और जो सामान इनसे हो सका उन सामानों को लेकर के ये लोग यहाँ फुटपाथ पे आकर बाहर रात बिताने को मजबूर हैं। और ऐसे में सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और सवाल इन लोगों के जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी ये कई सवाल खड़े होते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, इन लोगों को भी बीमारी का खतरा लगा हुआ है। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या हालात हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और कितनी दिक्कतें हो रही हैं इन लोगों को। मैम, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? हाँ जी, घाट बनाए थे तो ही अब पानी भर गया है, तो बस इन लोग यहाँ ले गया है, अब पुल के तय आ गया है, कोई व्यवस्था नहीं बन रही अभी। हाँ, और बच्चे भी साथ में, लड़की भी साथ में लुआए हैं, अब कहाँ जाएंगे, अभी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बन जाएगा तो चले जाएंगे। यमुना का पानी कितना बढ़ चुका है, आप लोग कहाँ रह रहे थे और कितना पानी आ गया वहाँ पे? वो अंदर में रह रहा है तो वहाँ पे कम से कम 5 फुट पानी हो गया है, 5 फुट पानी हो गया है, रह नहीं सकते, नहीं रह सकते, रोड पे पानी आ गया है। हाँ, तो रात में वहाँ से भागे हैं तो सवेरे यहाँ पे आ गए, तो अभी पुल के पास में आ गए, अभी नहा के आए, कोई खाना पीना कुछ है नहीं है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, कोई नहीं पूछने आए, खाली मीटिंग वाले आते हैं और कोई भी नहीं आते हैं, नहीं कोई नहीं आते हैं। अब देखिए किस तरीके से जो इन्होंने कल या रात को जो खाना बनाया था उस खाने को ही इन लोगों ने बचाया हुआ है और अपने बच्चों को, जो महिलाएं हैं उनको खिला रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। क्या सरकारी सहायता मिल पा रही है क्या? कुछ नहीं मिल पा रही है। नहीं तो कैसे गुजर बसर कर रहे हो? अब गुजार बैठे हैं यहाँ पे, चलेंगे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, तो सामान वगैरह सब आप ही लोग लेकर के आए? हाँ, हमारा सामान है पूरा, ये सारा सामान। हाँ, हमारा सामान है पूरा। कितने लोग हैं आप लोग कुल? हमारे यहाँ पे 50 लेबर है, 50। हाँ, 50 लेबर। सब लोग क्या काम कर रहे थे वहाँ घाट के पास? घाट बनाया थे, घाट बनाया थे नीचे वाला। जो ठेकेदार है वो भी नहीं आया आपकी मदद के लिए? अच्छा, हमारे संग और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपको सामान लेकर के भी अभी आ रहे हैं, कहाँ रह रहे थे? मैं तो ड्राइवर हूँ। अच्छा, परेशानी बहुत ज़्यादा है? परेशानी ज़्यादा है। देखिए, फिलहाल यहाँ लोगों का कहना है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, जो लोग अंदर घाट बनाने का काम कर रहे थे, ना तो उनका ठेकेदार यहाँ पर आया पूछने के लिए, ना ही यहाँ पर कोई इनको सहायता के लिए सरकारी मदद मिल रही है। फिलहाल जो परेशान लोग हैं वो इसी तरीके से खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं, पूरी दिन पूरी रात ये लोग यहीं पर रह रहे हैं, अपना जो सामान रोज़मर्रा का है वो यहाँ पर लेकर के आए हैं, पानी तक पीने के लिए नहीं है। इनके बर्तन देखिए, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये खाली बर्तन है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। और इसी हालात में ये लोग यहाँ कल रात से बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि यमुना का पानी अचानक बढ़ा और जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे अब वहाँ से इनको हटना पड़ा और अब ये लोग बिना किसी सहायता, बिना किसी मदद के इसी जगह पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।